हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यू चैम्प्स। आज हम कुछ जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको एमबीए के इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली इन एमबीए इंटरव्यूज बट आल्सो अगर कोई और इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जनरली इंटरव्यूअर पूछता है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया का जीडीपी कितना है? तो हमारे इंडिया का जो जीडीपी है वो है 3.2 ट्रिलियंस और 3.2 लाख करोड़ इन डॉलर्स। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया का कौन सा स्टेट ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा जीडीपी मिलता है हमें। तो वो है महाराष्ट्र, जिसका 25.35 लाख करोड़ जीडीपी है। सो अभी इस स्लाइड में हम तीन टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी। तो रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, हम ये देखेंगे। ओके, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। पहले ही मैं बता देती हूँ आपको, इंडिया का जो रैंक है जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी के टर्म्स में, वो फिफ्थ है नॉमिनल के हिसाब से। ओके, और परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर हम देखें तो इंडिया हमारा थर्ड रैंक पे है, ओके, पूरे वर्ल्ड में। सो अभी हम जान लेते हैं कि ये रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। ठीक है, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीजें हैं बट अभी हम शॉर्टकट से समझेंगे क्योंकि हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। ओके, रियल जीडीपी क्या है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे दे माइट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सब जानना आई थिंक लिटिल बिट डिफिकल्ट, नहीं ही पता होगा उन्हें। तो रियल जीडीपी क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। सपोज हमारी कंट्री में 10 पेंसिल मैन्युफैक्चर हुई। ओके, 10 पेंसिल्स को हमने क्या करा, मैन्युफैक्चर करा। एक पेंसिल थी हमारी 100 रुपए की, 10 पेंसिल हमारी कितने की हो गई, 1000 रुपए की। ओके, 1000 की हुई जिस टाइम पे ये बनी थी। सपोज ये मार्च में बनाई गई हैं, ठीक है, मार्च 2020 में ये जो पेंसिल्स हैं मैन्युफैक्चर करी गई, उस टाइम पे इनका प्राइस ये था। तो ये जो प्राइस है वो रियल जीडीपी में काउंट होता है। वेयर एज अब क्या हुआ, अब आया अगस्त, ठीक है, अगस्त में क्या हुआ, ये जो 10 पेंसिल्स थी, ठीक है, ये 10 पेंसिल्स अभी तक रखी हुई हैं। सपोज ये बिकी नहीं, ये कहीं नहीं गई, ये यूज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये पेंसिल्स मेरे पास रखी हुई हैं। और अब एकदम से क्या हुआ, पेंसिल्स के प्राइस में इन्फ्लेशन आया, मतलब पेंसिल्स का प्राइस बढ़ गया, प्राइस राइज हुआ और ये प्राइस क्या हो गया, 150 रुपीज। तो अब जो 10 पेंसिल्स हैं वो 1500 रुपए की हो जाएंगी। तो ये जो है, जब हमने मैन्युफैक्चर करी थी उस टाइम थे तो इनका प्राइस था 1000 रुपए, बट कुछ टाइम के बाद इन्फ्लेशन होने के कारण इनका प्राइस हो गया है 1500 रुपीज। सो दिस इज योर नॉमिनल जीडीपी। व्हाट इट इज, इट इज द नॉमिनल जीडीपी। ओके, इट शोज द टोटल प्रोडक्टिव। अब इनकी डेफिनेशंस पे जाते हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है, नो प्राइस चेंज एंड इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड, वेयर एज इन नॉमिनल जीडीपी इट शोज द टोटल प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ अ कंट्री विच इंक्लूड्स प्राइस चेंज एज वेल एज इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये यूएस है और ये है इंडिया। ओके, यूएस में आपने एक पेंसिल खरीदी जो कि थी $5 की। ओके, $5 की। वेयर एज इंडिया में ये जो पेंसिल है उसका कॉस्ट देखते हैं कितना है। परचेजिंग पावर पैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर हम नीचे आते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर। ओके, सपोज यूएसए है, इंडिया है और चाइना है। ठीक है, अभी पहले दो कंट्रीज लेते हैं फिर मैं आपको चाइना भी बताऊंगी। इंडिया में क्या है, यही पेंसिल कितने की है, सपोज 100 रुपए की, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वहां पर $5 की, यहां पर 100 रुपए की। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई ना, कि वही गुड वहां पर $5 में मिल रहा है और वही गुड इंडिया में कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का। तो व्हाट डज दिस मीन, अगर हम देखें, हम एक एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यूज थी हमारी जो ऊपर लिखी हुई है, नीचे हम हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लेते हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यूज क्या है देख लेते हैं। सपोज ये जो $1 है, ठीक है, $1 70 रुपए का है,
तो हमारा ये किस हिसाब से कितने का हो जाएगा, 7 5 350 रुपीज की हो गई, राइट। 350 रुपीज की हो गई है, ओके 350 का हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमें, तो वही चीज $5 की यहां पर और यहां पर 10 रुपए की। अगेन अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, हम ये देखते हैं। इसका रेट निकालना चाहते हैं अगर हम, तो इंडिया में सपोज ये 100 रुपए का था, ओके, और यूएस में था ये 5 5 डॉलर का। तो 5 मतलब ₹20 का 1 डॉलर, तो बेसिकली हमारे 20 रुपए और उनका 1 डॉलर, इतना इतने उनके यहाँ की गुड्स की वैल्यू है कि हमारे 20 रुपए लगेंगे उनके 1 डॉलर की चीज के लिए। तो ये जो हम लोग करेंसीज का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। ये कौन करता है, ये जो परचेजिंग, फिलहाल इंडिया की सबसे ऊपर चाइना है, ठीक है। इसकी पीपीपी के टर्म्स में फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी आती है, जीडीपी आता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका अमेरिका मतलब यूएसए, और थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडिया, ओके। तो कहीं पर हम थर्ड नंबर पे हैं देखा जाए तो, थर्ड नंबर पे हमारी इकोनॉमी लाई करती है। हमने करेंसीज के कंपैरिजन करे हैं एक दूसरे से, ओके, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। कि हमारा 20 रुपया, सपोज जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, हमारे 20 रुपये वहां की 1 डॉलर की चीज खरीद सकते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। मैंने तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया था एक पेंसिल का, पर वो बास्केट ऑफ गुड्स लेती है, उसके बेसिस पे इनके कंपैरिजन करती है। सो आई थिंक यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू द, सो जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट होता क्या है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये होता है, ये मेजर करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है, ठीक है। ये अपना कंपैरिजन करता है 1 क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर से, दूसरे क्वार्टर से अपने आप को कंपेयर करता है। सपोज पिछले क्वार्टर से लेके इस क्वार्टर में मैं कितना ग्रो करा हूँ, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ, ओके। अभी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रोजेक्टेड है, 2.5% की। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.35 बिलियन या 1.35 थाउजेंड करोड़। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, और चाइना जो है फर्स्ट है, दैट इज 1.46 बिलियन पॉपुलेशन। एक चीज और हमें ये भी पता होना चाहिए, 0 से 25 ईयर्स के जो एज ग्रुप है हमारे इंडिया में 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स टू मेल्स का रेशियो देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 945 फीमेल्स हैं और 1000 मेल्स हैं। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का, 1084 फीमेल्स हैं आउट ऑफ 1000 मेल्स। और दिल्ली का जो कि हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है, बहुत ही वर्स्ट है, दैट इज 866 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है। तो हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट है 74%, काफी कम है और ज्यादा होना चाहिए। केरला ने हाईएस्ट लिटरेसी रेट अचीव कर रखा है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 94% का, और बिहार का लीस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का, दैट इज 63, और यू कैन से 64%। सो कहते हैं कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और आईईएस निकलते हैं, बट स्टिल वहाँ का लिटरेसी रेट काफी कम है, सो व्हाट एन आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन तो ठीक है, पर पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है पीपल हैविंग इनकम लेस देन 87,600। जो भी लोग हैं जिनकी इनकम 87,600 से कम होती है, उन्हें हम कहते हैं कि ये बीपीएल पीपल है, ओके। तो अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जिधर सबसे ज्यादा बीपीएल लोग रहते हैं, तो वो हम देखेंगे, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही आम चीज है जो पता ही होनी चाहिए, ओके। तो रेपो रेट ये होता है जब कोई कमर्शियल बैंक है, कैनरा बैंक या कोई भी बैंक लगा लीजिए, कमर्शियल बैंक इंडिया का, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी को बोरो करता है ताकि उसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अभी करंट रेपो रेट हमारी 5.5% चल रही है, और
उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई मनी लेंट करता है, अगर आरबीआई मनी लेता है किससे, आरबीआई पैसा लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से पैसा लिया तो उसे हम कहते हैं ये रिवर्स रेपो रेट पे लेगा, ये कम रहता है। ओके, ये कम रहता है, रिवर्स रेपो रेट रहता है 4.90, ये देख रहे हैं 4.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन होता है मेजर ऑफ रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स। सपोज मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एक पेंसिल अगर अभी 100 रुपए की है, सपोज वन पेंसिल इज ऑफ 100 रुपीज राइट नाउ। ओके, 100 रुपीज की है, आज से 2 महीने बाद क्या हुआ कि पेंसिल का रेट बढ़ गया और पेंसिल कितने की हो गई, 150 रुपीज की। तो ये क्या हुआ, एक पेंसिल 150 रुपीज की हो गई 2 महीने बाद और इन्फ्लेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड एज राइज ऑफ प्राइस। राइज ऑफ प्राइस हुआ है गुड्स का या सर्विसेज का इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन कब होता है, या तो प्राइजेस हाई हो जाए कोई भी जो आपका गुड है उसका, और वो क्यों होता है, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, सपोज जो रॉ मटेरियल है उसके पैसे बढ़ गए, ठीक है, या फिर वेजेस, जो आपके लेबरर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, तो इन्फ्लेशन आ जाता है उस सिनेरियो में, क्योंकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी इन्फ्लेशन रेट इंडिया में क्या है, 4.09% का। तो 9th क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब इन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो जाए, ओके, उसके साथ डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट तो हाई हो ही जाए, इन्फ्लेशन भी हो जाए कंट्री में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका राइज हो जाए प्राइस, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाए, राइज हो जाए। अब इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ठहर जाएगी, हमारी जो इकोनॉमी है स्टैगनेट कर जाएगी। सो उसको प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड, द क्वेश्चन इज इंडिया हैज सरपास विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अच्छा ठीक है, अभी जो ये हम जीडीपी बोल रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी है। अभी मैंने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में हमारे प्राइस राइज, जो भी हमारे प्राइजेस राइज होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करा जाता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करी जाती है, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था। तो नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें हमने प्राइस राइज नहीं इंक्लूड कर रखा होता है। सपोज अगर अगर मैंने कोई प्रोडक्ट आज से 3 महीने पहले 10 रुपए में बनाया था, तो मैं उसको 10 रुपए का ही प्राइस मानूंगी, उसको मैं आज से मतलब लाइक 3 महीने बाद अगर वो 15 रुपए का हो जाता है तो वो 5 रुपए राइस नहीं मानती हूँ मैं इसमें, ठीक है। उस हिसाब से हमारे इंडिया जो है 5th नंबर पे स्टैंड करती है, दैट इज 3.2 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ, डॉलर है आगे याद रखना, $3.2 लाख करोड़, ओके। और यूएस जो है हमारा 1st नंबर पे स्टैंड करता है 2.9 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ। एक चीज और याद रखना, अभी हमने करा था पीपीपी, ओके, पीपीपी के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है, ओके, इंडियन इकोनॉमी 3rd नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है यूएस और थर्ड पे है इंडिया। अभी पीपीपी समझा था हमने, ओके, इसमें क्या होता है, जो करेंसीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की उसके कंपैरिजन करे जाते हैं कि वो कितना गुड्स बाय कर सकती हैं। तो चाइना की सबसे अच्छी पीपीपी टर्म्स में जीडीपी है, क्यों, क्योंकि इधर जितना भी प्रोड्यूस होता है वो एक पैरिटी में रहता है, ठीक है, प्राइस की पैरिटी रहती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि चाइना की क्या रहती है, पैरिटी रहती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ओके। तो ये कहीं पर भी चला जाए, अगर आप इसकी जो करेंसी है अगर आप इंडिया में ले जाओ या फिर यूएस में ले जाओ या फिर कहीं भी ले जाओ, तो वो उतना ही गुड्स बाय कर लेती है जितना वो अपने यहाँ बाय करती है। सपोज अगर अपने यहाँ 1 किलो चीनी 5 रुपए में बाय कर रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये, जो भी वहां का करेंसी है, वहां की करेंसी जो भी 5 यूनिट समझ लो, वहां पर भी यूएस में भी वो वही वर्क करेगी और इंडिया में भी वो वही करेगी। तो सबसे अच्छी है चाइना की इकोनॉमी, फिर यूएस, फिर इंडिया। तो इंडिया 3rd नंबर पे लाई कर रहा है अगर हम उसकी पीपीपी देखें तो। पीपीपी अभी जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो भी आप जान लीजिए 18.3 के आसपास है, ओके। और दिस इज इट फॉर द डे नाउ, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।